कभी कभार मिलती है और तो भारत बंद के आह्वान पर देश भर में किसानों का प्रदर्शन। जगह जगह पर नेशनल हाईवे और टोल प्लाजाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। किसान अपनी बातों को मनवाने के लिए आगे भी प्रदर्शन करता रहेगा जब तक किसान की बातें मानी नहीं जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि भारत बंद के आह्वान पर आज पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना दिया, जहां भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था। उन्हीं के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आज हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 पर सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए, जहां देखते ही देखते प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन किसानों के द्वारा धरना देने की बात को लेकर धरना शांति प्रिय करने की बात कही गई। मेरा नाम मनवीर सिंह। मनवीर जी, क्या आज आप किसान लोगों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या लगता है सरकार दबाव में आएगी? सरकार को तो दबाव में आना पड़ेगा, किसान है इतनी आसानी से नहीं माने। किसान सरकार को समझाते ही माने, किसी भी सूरत में सरकार को MSP को कानून बनाना पड़ेगा, कानूनों को, ये तीनों जो काले कानून हैं इनको वापस देना पड़ेगा, तभी किसान अपने घर वापस आएगा। तो आज भारत बंद में आपको व्यापारियों का और आम आदमी का समर्थन मिल रहा है? सभी का समर्थन है पूर्ण रूप से, किसी का आंतरिक है किसी का बाहरी है, हमें सभी सर्व समाज का समर्थन है, सभी का समर्थन है। आज किसानों द्वारा जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या लगता है सरकार दबाव में आएगी? देखिए, पिछले एक साल से किसान अपना आंदोलन कर रहा है और उसी कड़ी में आज भी एक आंदोलन के विरोध करने का हमारा तरीका है। आज किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत आज द्वारा ये आज धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ये धरना रहेगा। सड़क जाम चक्का जाम का ये आह्वान पूरे देश में है और सभी जगह ये धरना हो रहा है। किसान अपनी बातों को मनवाने के लिए आगे भी प्रदर्शन करता रहेगा जब तक किसान की बातें मानी नहीं जाए। तो क्या आज भारत बंद में व्यापारी और आम आदमी का समर्थन मिल रहा है? किसानों को काफ़ी मिल रहा है, आम आदमी को भी मिल रहा है, गांव में बैठे व्यक्ति का भी मिल रहा है, शहर में घर बैठे हुए व्यक्ति का। ऐसा नहीं है, जब देश आज़ादी की बात थी, जब देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी में मात्र 1.5% लोगों ने भागीदारी या बलिदान दिया था। 100% बलिदान कहीं नहीं होता है, 100% संघर्ष कहीं नहीं होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।